सहनावतु सह नो भुनस्तु सह वीर्यं कर्वा तेजस्विनावधीतमस्तु मा ओ शांति, 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 वैदिक जीवन पद्धति में हम ब्रह्मचर्य सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं दूसरे मंत्र का हम कुछ भाग समझने का प्रयास कर रहे हैं एक बार उच्चारण करेंगे सभी ओ ब्रह्मचारिनं पितरों देवजनाह पृथक् देवा अनुसाइयंति सर्वे गंधर्वाः इनमायनवान् त्रयस्त्रिंशत्रिशताश्च शशश्राह सर्वां सदिवां स्तपसाभिपल्ली आचार्य अभय देवजी विशेष रूप से व्यवहारिक व्याख्या को करते हुए जो अपने इंद्रियों को वश में रखता है अपने त्याग तपस्या से अपने संयम से अपने को नियंत्रित रखता है उसके लिए सभी देवता गण अनुकूल हो जाते हैं वे देवता उसकी आज्ञा के पालन में सदा तत्पर रहते हैं उसके पीछे पीछे उसका अनुगमन करने वाले हो जाते हैं। संसार में अनेक बार हमारा ऐसा विचार आ जाता है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम बिल्कुल अपने को अकेला समझने लगते हैं हताशा निराशा का बिल्कुल माहौल उत्पन्न हो जाता है उस स्थिति में जो ब्रह्मचारी होता है जो अपने को संयमित रखता है जिसके समस्त गुणकर्म स्वभाव उसके अनुकूल होते हैं तो सारी समष्टि उसका अनुकरण करने लगती है

क्या उसका उम्र ड्यूरेशन क्या उसकी ये मतलब वो ब्रह्मचारी का वो पालन कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। पीछे भी किसी ने इस विषय में प्रश्न किया था जो दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हैं गृहस्थी हैं, आयु की दृष्टि में तो आज की जो स्थिति है वो तो बड़ी दयनीय है बहुत ही छोटी अवस्था में उनको ऐसी चीज हाथ में लग जाती है जिससे उनके अंदर जो चीज 25 वर्ष के बाद होनी चाहिए वह 10 वर्ष में होने लगती है ऐसे विचार जो प्रौढ़वस्था में आने चाहिए वो बाल्यकाल में ही आने लगते हैं, क्योंकि राष्ट्र की जो संस्कृति थी उसको बिगाड़ने का काम किया गया है जो ऋषियों की परंपरा थी उस पर कुठारा किया गया है। भारतीय जो संस्कृति थी जो परंपरा थी जो यहां का संयम था, जो आहार विहार विचार था जो व्यवहार था उसको नष्ट करने का काम निरंतरता से बहुत तेजी से किया जा रहा है तो इसमें आप यदि आयु की बात करेंगे कि किस आयु में कैसा ब्रह्मचर्य का विधान हो सकता है आज के युग में तो बड़ा कठिन काम है ये परंतु हम प्रयास करें पहल तो हमसे करनी पड़ेगी अर्थात हमको उठना पड़ेगा जब हम अपने आप को तैयार करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज फिर से प्रतिष्ठापित होगी ऋषियों का जो ज्ञान है जो उनका विज्ञान है उसको आत्मसात करके अपने आप हम लोक का निर्माण करेंगे तो निसंदेह राष्ट्र अच्छा बनेगा तो चाहे वह ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थी हो चाहे वानप्रस्थी हो सन्यासी हो उन सभी परिस्थितियों में सभी स्थितियों में विचार पूर्वक संयम पूर्वक अपने आप को व्यक्ति जब आ, स्वाध्याय से ईश्वर परिधान से आगे बढ़ाता है तो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है और यदि नहीं करता ऐसा काम तो आपका जो मन है पूछने का या सुनने का तो इस बात को आप समझ लीजिए कि चाहे वह आप देखते हैं लोक में तथा कथित ऐसे लोग जिनका जीवन ब्रह्मचर्य से युक्त तो होता है जिनको बहुत आदर्श मानते हैं लेकिन अंदर खोखलापन होता है वो चाहे सन्यासी हो चाहे वान प्रस्थी हो चाहे वृद्ध हो चाहे जवान हो सबकी स्थिति यदि ज्ञान युक्त नहीं है विवेक युक्त नहीं है ऋषि परंपरा को जिसने आत्मसात नहीं किया वो कहीं ना कहीं पतित होता है और यही आज हो रहा है ये तो बहुत पवित्र स्थान है हमारे पुण्य जन्मों के ऐसे शुभ कर्म हुए जिसके कारण हम यहाँ समर्थ गुरुओं के सानिध्य में हैं ऐसे तेजस्वी तपस्वी परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम पूज्य आचार्य में यहाँ पर शिक्षा दीक्षा हमारी हो रही है तो लोक में क्या हो रहा है हा? उससे हम बचे हुए हैं तो वह सब कुछ झेलता हुआ बाहर के और अंदर के तूफानों को किनारे करता हुआ सतत आगे बढ़ता रहता है और वे देवता उसका सदा अभिनंदन करते हैं वंदन करते हैं हाथ जोड़ करके उसके सामने खड़े रहते हैं उसकी आज्ञा का जो है हमेशा ध्यान रखते हैं प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब यह आज्ञा दे हम उस कार्य को सिद्ध कर दें वह सिद्धि को प्राप्त हो जाता है तो यही बात यहां पर कह रहे हैं आगे जो यह त्रेस तिश इसकी चर्चा में आचार्य लिख रहे हैं कि ये हमारे अंदर ही सारे देवता रहते हैं तो ये देवता कौन है कहाँ है कितने हैं वेद वेसक कहता है कि पितर देव जन ब्रह्मचारी के पीछे चलते हैं सब देव अलग अलग है ब्रह्मचारी के अनुयायी होते हैं गंधर्व इनका अनुसरण करते हैं ये तीन तीस तीन सौ छह हजार देव हैं जिन्हें ब्रह्मचारी अपनी तपस्या से संतुष्ट करता है पर ये पितर और गंधर्व आदि देव कहाँ हैं ये हमारे अंदर ही हैं कहीं बाहर नहीं है प्रसंग बस हमने थोड़ी चर्चा की थी कि वस्तुतः यदि हम देव शब्द को समझने का प्रयास करें तो व्यवहारिक रूप में देव जो हम व्यवहार करते हैं तो दो ही रूप है उसके जड़ और चेतन के रूप में तो ये हमारे अंदर ही हैं। इन्हें पहले अपने अंदर ही कुछ अनुभव करो मुख्य देव तीन हैं उन्हीं की विभूतियां 333 हैं और फिर 6000, 333 हैं और फिर अनगिनत हैं। इसकी व्याख्या वृहद आरण्य उपनिषद में विशेष रूप से की गई है थोड़ा सा सांकेतिक मैं आपके समक्ष इसकी चर्चा करूंगा वृहद आरण्य उपनिषद में बहुत ही विशेष चर्चा करते हुए ये कहा कि यह देवता हमारे अंदर कितने हैं जो यहां त्रेस कहा तो याजवल के बोले कि हे विदग्ध तीन हजार तीन सौ छह देवता तो केवल गौरव के लिए ही है वैसे तैतीस ही देवता होते हैं आठ वसु ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य और एक इंद्र विद्वान और एक प्रजापति परमात्मा है ये विशेष देवता होते हैं और कतमे वसवा अब अगला प्रश्न कर रहे हैं कि और वसु कितने हैं तो वसु कतमे वसवा इत अग्निश्चा पृथ्वी च वायुश्चा अंतरिक्षम चादित्य चा दौश्चा चंद्रमाश्चा नक्षत्राणी चेवा एतम इति जो वसु होते हैं तो वसु कतमे वसवा विदग्ध ने याज्वल्क से पूछा कि वसु कौन से हैं तो को बोले कि ये अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदित्य अर्थात सूर्य दियुलोक चंद्रमा और नक्षत्र ये आठ वसु हैं इनको वसु क्यों कहते हैं क्योंकि सबको हितम हितकारी बसाने वाले हैं इसलिए इनको वसु कहते हैं बिना अग्नि के हमारा जीवन नहीं रह सकता है जठराग्नि और हमारे जान अग्नि भी बोलते हैं क्योंकि जान की अग्नि में जो अज्ञान होता है वो जल करके नष्ट हो जाता है अग्नि की दृष्टि में भी अनेक प्रकार की हैं। काम अग्नि, अग्नि, अग्नि क्रोध ये अग्निया तो शरीर धारण होता है वो तो जठराग्नि यदि शरीर ठंडा पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल है बचाना व्यक्ति को तो उसके हाथ पैर घिसते हैं इसको गर्मी आ जाए है कि नहीं और पृथ्वी वायु ये सारे क्या है ये वसु है ये देव के समान है क्योंकि हमारे जीवन को देने वाले हैं इन्हीं के कारण हमारा जीवन चलता है और आगे कह रहे कतमे रुद्रा रुद्र कितने हैं कतमे रुद्रा इति दशे में पुरुष प्राणा आत्म का दशते यदा शरीरात छरी, मर्त्या रोदयंती तस्म रुद्रा ये कह रहे रुद्र कितने हैं और कौन कौन से रुद्र हैं रुद्र ग्यारह हैं दस प्राण अपान आदि प्राण अथवा जान कर्म इंद्रियां दस होती हैं और ग्यार जीवात्मा कहलाता है इनको रुद्र इसलिए कहते हैं कि जब प्राण शरीर को उत्क्रामंती छोड़ करके जाते हैं तब संबंधी जनों को रोदयंती रुलाते हैं इस कारण इन्हें रुद्र कहते हैं शरीर में जब ये ये छोड़ करके जाते हैं, तो ये अपना कार्य बंद करके चले गए तो लोग फिर क्या होता है रोते हैं रोदयंती दूसरों को ये रुलाते हैं इसलिए रुद्र कहते हैं और परमात्मा का भी नाम रुद्र है क्योंकि वह दुष्टों को दंड देता है जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल देता है गलत कार्य किया है तो उसको ऐसा परिणाम देगा जिससे उसको कष्ट होगा दुख होगा और वो उसको पीड़ा मिलती है उसको दंड मिलता है तो उसको रुलाने की दृष्टि से उसको दंड देने की दृष्टि से उसको क्या कहते हैं रुद्र कहते हैं और आदित्य के विषय में पूछ रहे हैं आदित्य द्वादश वही आदित्या एते आदित्यम सर्व आददाना ये इदम यदिदम सर्व आदाना तस्मा तो आदित्य 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 कितने और कौन कौन से हैं हे विदग्ध याज्वल के उसको उत्तर देते हुए कह रहे हैं हे विदग्ध आदित्य द्वादश बारह है अर्थात चैत्र वैशाख, जेठ आषाढ़ आदि जो बारह महीने हैं उन बारह महीनों को क्या कहते हैं आदित्य कहते हैं इनको इसलिए आदित्य कहते हैं कि इदम सर्वम इस सारे ब्रह्मांड को आददाना साथ में धारण करते हुए यंती चलते हैं इससे इनको आदित्य कहते हैं विषय थोड़ा सा क्लिष्ट है क्योंकि कभी इसकी चर्चा की नहीं जाती है फिर भी थोड़ा थोड़ा संस्कार बने इसके विषय में हम जाने इसलिए इसको प्रसंग आया तो मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं और इंद्र कितने हैं कतमा इंद्रा उन्होंने पूछा प्रश्न याजवल से कतमा इंद्रा इंद्र कौन है और यह बता रहे कतमा इंद्रा कतमा प्रजापति इति ईतु रेह विन्द्रो यज्ञ प्रजापति रीति कत महस्ता त्युणु नित्य शनि रीति कतमो यज्ञ इति पशवा इति कतमा इंद्र इंद्र और प्रजापति देवता कौन से हैं तो स्तन इतनु विद्युत को इंद्र कहते हैं और यज्ञ को प्रजापति कहते हैं यज्ञ इति पशवा पशु को भी यज्ञ कहा जाता है क्योंकि जो भी कुछ इस संसार में है वे सब यज्ञ करते हैं इसलिए पशुओं को भी यज्ञ कहा जाता है और दूसरी दृष्टि में पश्यति समदृष्टिया जो केवल देखने का कार्य करते हैं समदृष्टि से देखते ही रहते हैं उनको भी क्या कहते हैं पशु कहते हैं संभाव से जो देखने वाला है वह वा भी पशु कहलाता है सूक्ष्म दृष्टा होता है कतमे षडित्याग्निश्च पृथ्वीश्च वायुश्च अंतरिक्षम चादित्यश्च देवश्च तेते षडेते हिदं सर्वम षदित इति तो कह रहे हैं कतमे षड पुनः विदग्ध ने याजवलक से पूछा कि ये छह कौन हैं क्योंकि आपके इसमें आचार्य भी बोल रहे हैं तो छह कौन है विदग्ध ने पूछा तो याजवलक ने उत्तर दिया कि अग्नि वायु और अग्नि वायु आदि पंच महाभूत और यह द्यूलोक ये छह देवता है इदम सर्वम यह समस्त भूमंडल इनमें ही समाहित है ये जो कुछ भी हम देखते सुनते हैं उनका जो स्वरूप है या हमको जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है इन पांच महाभूतों से ही वह निर्मित होता है और छठा क्या है दिवलोक है कतमे ये त्रयो देवा इतिम अब जो तीन देवता मुख्य बताए थे तो तीन देवता मुख्य कौन से हैं तो कतमे ते त्रयो देवता इतिमा एव त्रयो लोका एशु ही में सर्वे देवा इति कतमाऊ तो देवा विन्यन्नम चैव प्राणस्येति कतमो अर्ध्यर्ध इति योयम यम पवता इति कतमे ते त्रया ये तीन देवता कौन से हैं और दो कौन से हैं और अध्यर्ध अर्थात आधे जो डेढ़ से कौन से हैं और अध्यर्ध कौन से हैं बोले कि ये पृथ्वी और दिवलोक ये तीन मुख्य देवता हैं अन्न और प्राण ये दो देवता हैं अन्न और प्राण ये दो हैं और वायु और प्राण ये दो मिलकर के जो है अध्यर्ध होते हैं इस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था एक एक गणना करके ऋषियों ने लिख रखी है केवल हमको समझने का सामर्थ्य चाहिए हमारे अंदर उसके प्रति जिज्ञासा और ललक चाहिए उस समय तो कोई भी इतना विज्ञान का यंत्र नहीं था फिर भी आज के चाहे नासा हो या अन्य कोई भी वैज्ञानिक संस्थाएं हो जहां पर खोज की जाती है आश्चर्यचकित कि जब कोई यंत्र नहीं था कुछ नहीं था तब भी ऋषियों ने क्या क्या लिख दिया के विषय में पृथ्वी के विषय में, और इतने सूक्ष्मता से एक एक नस नाड़ियों को गिन करके कैसे कैसे इसको बता दिया आज तक भी इस पर आश्चर्यचकित होकर के इसकी खोज में सतत लगे हुए हैं तो यही बात फिर यहाँ पर पुनः हम आ जाते हैं अब इसको दूसरे व्यवहारिक ढंग से कई इंगल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कई तरीके से समझाने का आचार्य अभय देव जी अपने सरल भाषा में लिख करके समझाना चाहते हैं कि इस मंत्र को के लिए मैं इस बात को दूसरी तरह से कहना चाहता हूं हमारे अंदर प्राण वहा मुख्यतः तीन है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जिनको चंद्र सूर्य और अग्नि भी कहते हैं इनमें से प्रत्येक के दस दस विभाग बतलाए हैं तो तीन के दस हो गए तो कितने हो गए तीस हो गए जिससे वे तीस या तैतीस बनती हैं इनके शत शत विभाग किए जाए तो तीन सौ तैतीस हो जाती हैं। प्रश्नोपनिषद में भी यही आगे आया है इसको प्रसंग आएगा तो फिर कभी पढ़ करके इसकी व्याख्या और चर्चा करेंगे तो कुल के अत्र एतद एक शतम, नाम तासाम शतम शतम एक कश्याम सप्ततिर दवा सप्तः प्रतिशाखा नाडी शहस्त्रणी भवंती आसु व्यान चरती अर्थात हृदय में सौ नाडियां है उनमें से प्रत्येक की सौ सौ शाखा है फिर उनकी प्रत्येक की बहत्तर हजार उप शाखाए हैं उन सब में वायु चलता है।, एक -एक से ये कोई नहीं है ये वेद मंत्र हम पढ़ रहे हैं और वेद हमारे सृष्टि के आदि से है ये ईश्वर की जो है वाणी है अपौरुषे है ऋषियों ने इसको समझा जाना और उसका उपदेश किया है हमारे लिए तात्पर्य यह है कि तीन से बढ़कर सौ कर या अनगिनत नाणिया रूपी देवता है, है जागृत करता है और ये प्राण नाड़िया ब्रह्मचारी के अनुकूल चलती हैं। देखो जब ब्रह्मचारी अपने विचार से अपने व्यवहार से अपने आहार से अपने को साध लेता है तो नस नाड़िया रक्त संचार प्राणवायु का संचार बहुत ही सरलता से चलता है अबाध गति से लेकिन जब संयम नहीं होगा ना आहार पर संयम होगा ना विचार पर संयम होगा ना इंद्रियों पर संयम होगा तो ये रक्त प्रवाह भी टूट जाता है ये जो इंद्रिया हैं, ये हमारे अंगों को शिथिल कर देती हैं। हमारी नस नाड़ियों में बहुत सारा जो है विकार उत्पन्न हो जाता है और यही बात प्राकृतिक चिकित्सा में बतलाई जाती समझाई जाती है कि और रोग कोई ऐसी बात नहीं है कि वो रोग बाहर से आ गया और रोग तो हमारे अंदर ही उत्पन्न होता है जब नस नाड़ियां या हमारा जो ये मशीनरी अंदर काम कर रही है उसमें जब बहुत विकार उत्पन्न हो जाता है विजातीय तत्व तो इकट्ठे हो जाते हैं तो वही बीमारी का रूप ले लेता है तो कहीं ब्लड सर्कुलेशन जो है गड़बड़ हो गया तो कहीं प्राणवायु का संचार ठप हो गया जिससे अंगों में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है अंगों में जो है है आ जाती है, या अनेक प्रकार से विजाती तत्वों के कारण शारीरिक पीड़ा उठानी पड़ती है और जब एक प्रवाह सतत चल रहा होता है प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु का अच्छा संचार होगा रक्त संचार अच्छा होगा तो कभी भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है जैसे कोई नाली है और नाली को यदि साफ ना किया जाए तो कुछ दिन बाद वह चोक हो जाती है ऐसा बोलते हैं नाली बंद हो गई क्यों क्योंकि उसका कूड़ा करकट सब एक स्थान पर कहीं बीच में जमा हो गया जमा हो गया तो धीरे 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 बिल्कुल वह ठस जाता है उससे फिर जो पानी है बाहर उसके आगे बढ़ नहीं पाता है ऐसे ही यह शारीरिक जो स्थिति है इसी प्रकार से चलती है तो इन देवों को इनमें जो विजय प्राप्त करना चाहता है तो प्राणायाम एक साधन है प्राण नाडियां ब्रह्मचारी के अनुकूल चलती हैं इन्हें तीन विभागों में इस तरह विभक्त किया गया है कि ये अग्नि सुषुम्ना नाड़िया है जिन्हें गंधर्वा कहा गया है चंद्र ईडा नाडियां है जिन्हें पितर कहा गया है और सूर्य पिंगला नाडियां है जिन्हें यहाँ देव कहा गया है इस प्रकार ये छह हजार तीन सौ तैतीस देव है इसीलिए जानी लोग बतलाते हैं कि प्राणायाम का साधन प्राण पर विजय प्राण जागृति ब्रह्मचर्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है जो प्राणायाम का अभी प्राणायाम भी आगे आएगा क्योंकि हम अष्टांग योग पढ़ रहे हैं और अभी यम का ही हम व्याख्यान कर रहे हैं इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं आगे ये अष्टांग योग में जो भी अंग है तो प्राणायाम की विशेष महिमा है प्राणायाम जो भी करता है उसका सब कुछ निर्मल हो जाता है मन भी तन भी निर्मल हो जाता है लेकिन यदि प्राणायाम के बिना कोई ब्रह्मचर्य रहना चाहे कोई स्वस्थ रहना चाहे तो यह बहुत ही कठिन काम है प्राणायाम के बिना हम रह नहीं सकते प्राणायाम स्वाभाविक भी होता है भाई जो ब्रह्मचारी है वो व्यायाम करता है प्राणायाम करता है आसन करता है जिससे अनेक प्रकार के और रोग और दोष से बच जाता है तप द्वारा प्राणायाम प्राणायाम परम तपह परम तपह ब्रह्मचारी इन देवताओं को तृप्त करता है तभी यह देवता उसके अनुगामी हो जाते हैं जरा आधुनिक जो भाषा में बोले तो कर्मेंद्रियां अब दूसरी इसको आधुनिक भाषा में बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जो कर्मेंद्रियां वृत्तियां ये गंधर्व और जानेंद्रियां वृत्तियां देवा और मन इंद्रियां वृत्तियां पितरो देव जना ये सब अनगिनत अंदर के देवता ब्रह्मचारी के पूर्ण वश में हो जाते हैं, उसके अनुयायी होकर के चलते हैं, मतलब यह हुआ कि इंद्रियां ब्रह्मचारी की सर्वथा अनुवर्तनी हो जाती हैं, इनका अनुवर्तन करने लगती हैं, उसका समस्त अस्तित्व विकार रहित तो हो जाता है, दोष रहित तो हो जाता है और सर्वथा दोष से मुक्त हो जाना सर्वथा निर्मलता को प्राप्त करना निर्मलता से सरलता से जब व्यक्ति ऊपर उठता है वह उसका जीवन पवित्रमय हो जाता है पवित्रतम हो जाता है जिससे लोक लोकांतरों में भी उसकी ख्याति होती है अर्थात लोक, लोकांतर का तात्पर्य है चर्चा होती है उसका इतना प्रभाव उसके तप का होता है ये आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको इससे सूक्त से समझने को मिलेंगी तो ये कहने का आशय कि व्यक्ति को सब कुछ मिल सकता है यदि वह इसके लिए तैयार हो और सबकी यही मांग है कौन व्यक्ति रोगी होना चाहता है कौन व्यक्ति दूसरों का गुलाम होना चाहता है कौन व्यक्ति शारीरिक पीड़ा को सहन करना चाहता है कौन व्यक्ति मानसिक पीड़ा को सहन करना चाहता है कोई नहीं चाहता है क्यों कारण यही है कि उसने पहले इस विद्या को जाना नहीं समझा नहीं इस वैज्ञानिकता को नहीं समझा अपने शरीर के देवताओं को नहीं समझा उनका सत्कार नहीं किया और बाहर जिनकी पूजा नहीं करनी चाहिए उनकी पूजा की पूजा का मतलब यथायोग सत्कार करना जिन चीजों को नहीं ग्रहण करना चाहिए उनको ग्रहण किया देवताओं का अनादर किया जिससे वह जर्जर हो जाता है और जब जर्जर हो जाता है तो शरीर का एक एक अंग एक एक ढीला हो जाता है, उसको कोई भी पूछता नहीं है उसका सब तिरस्कार करते हैं बड़ा ये प्रांगण मिला है हमको कर्म करने के लिए लेकिन कर्म कैसा हो तो वह पूर्वक कर्म हो यह बार बार बात कही जाती है कि शुद्ध कर्म शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से ही यह संभव हो सकता है तो आज ही पर इसकी चर्चा समाप्त करते हैं अगली कक्षा में और चर्चा करेंगे ओ शांति शांति शांति